आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। बहराइच में 17 नवंबर की रात से रिक्शा चालक द्वारा युवती के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाले घटना ने जहां एक तरफ खाकी की सक्रियता को कड़घरे मिलाकर खड़ा कर दिया, तो वही पुलिस इस मामले में 6 पुलिस की टीमों को गठित करके मामले की जांच में जुटी है। जहां पुलिस ने बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वही अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पीड़िता से मिलने के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने रेप पीड़िता से मुलाकात की है। अगली खबर देवरिया से है, जहां एक छोटे गांव डेरी के लाल शुगम सिंह ने सुर संग्राम 14वें राउंड में पहुंचकर देवरिया का नाम रोशन कर दिया। इसी के मद्देनजर जब शुगम सिंह का सुभाष चौक पर भव्य स्वागत हुआ तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व दंजा प्राप्त मंत्री नीरज शाही एवं नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह भी मौजूद रही। शुगम सिंह ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया और कहा कि हर बेटे के अंदर एक प्रतिभा छुपी है, सभी के पेरेंट्स को अपने बेटे का मनोबल बढ़ाना चाहिए। कि हमारे ही समाज के, हमारे पूर्वांचल के, हमारे जिले के, हमारे नगर के बाबू शुगम सिंह ने पूर्वांचल में अपना नाम कमाया है। उन्होंने अपना ही नाम नहीं, हम सभी का सर वक्र के साथ ऊंचा किया है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आज पूर्वांचल में ही नहीं, अपने राष्ट्र स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी आवाज़ गूंजे और हमारे देवरिया का नाम रोशन। यही शुगम सिंह हैं जिनसे जो सुर संग्राम में 14वें राउंड में जा चुके हैं। भैया, क्या जनता से अपील करना चाहेंगे आप देवरिया वासियों से? बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुत हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मनोबल बढ़ावे का थी हमारे, इतना उत्साह बढ़ावे का थी। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, एक गाना सुना दीजिए। गाना कैसा गाना सुना दूं आपको? तमाम लोग अभी सब देवरिया लोग वासियों को एक नया संदेश मिल जाएगा। अरे हो गया, न्यूज करिए ना, न्यूज से क्या हो गया, हो गया। देवरिया पे एक भोजपुरी के लिए दो लाइन बोल देता हूँ। अरे भाषा भोजपुरी हमारी भारत के धूरी है, भाषा भोजपुरी हमारी भारत के धूरी है। अब लला से पहले कर समझल जरूरी है, ना दूंगा के खाजा ना गौना के पूरी है। हर भाषा ले ऊपर हमारा भोजपुरी। यहाँ के लोग इंतजार करेंगे फाइनल राउंड में, जब आप जीत कर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल लग रहा है, बहुत मैं आभारी हूँ। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, भरोसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यही वो लाल है, देवरिया का लाल है शुगम सिंह, जो 14वें राउंड का संग्राम में पहुंच चुका है और आगे भी जो फाइनल राउंड होते हैं उसमें क्या नतीजे आएंगे यह देखना होगा। मैं प्राइम टीवी। थाना लोनी पुलिस ने गुरुवार को एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वही मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जबकि गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी चल रहा था, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। उसने रोकने का प्रयास किया तो अब अपनी बाइक पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जल्दबाजी में बाइक से फिसल कर गिर पड़ा एवं पैदल ही भागने लगा। पुलिस द्वारा वापस रोकने पर उसने नियत जानलेवा नियत से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए, जिसके कारण वह घायल होकर गिर पड़ा। जब पुलिस ने पास जाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सरताज पुत्र सम्मून निवासी 20 फुटा रोड
प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद का बताया। थाना अब खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सौतेले बेटे ने मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वह मृतका के हत्या के बाद अब उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा है। पुलिस ने गांव के चौकीदार की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात संदीपन घाट थाना इलाके के नसीरपुर गाँव की है। जानकारी के मुताबिक गाँव के राजेंद्र कुमार की पहली पत्नी सावित्री देवी की मौत हो गई थी। उससे एक बेटा धीरेन्द्र कुमार है। उसने दूसरी शादी सरोजा देवी से की थी। हालांकि सरोजा से उसकी कोई औलाद नहीं है। लगभग 10 साल पहले राजेंद्र की मौत हो गई थी और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उसके बाद सरोजा देवी मुरतगंज के एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। उसने खेत बेचकर पैसा उसे देना शुरू कर दिया। अब वो घर भी बेचने की फिराक में थी। इसी बात को लेकर सौतेले बेटे और माँ के बीच सुबह झगड़ा हुआ और तैश में आकर सौतेले बेटे ने कुल्हाड़ी से सरोजा देवी के गले और चेहरे पर कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। थाना संदीपन घाट क्षेत्र में माँ बेटे साथ में रहते थे, इसमें माँ बुजुर्ग थी। पारिवारिक कलह को लेकर बेटे ने कुल्हाड़ी के डंडे से माँ को मार दिया था, तो उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिसमें अधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी डेथ हो गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उनके घर पर अभी अब कोई बचा नहीं है, इसलिए ग्राम चौकीदार से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी पराग डेयरी के पास लगभग 45 परिवार के लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण की तानाशाही का आरोप लगाते हुए मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि यहां के लोगों ने अपने घरों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हुए मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए। वही लोगों का कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उनको जो पार्क दिया गया था उस पार्क को हटाया जा रहा है, जबकि मकान की रजिस्ट्री में पार्क का बखान किया गया है, लेकिन अब एलडीए उसको अपनी भूल बताकर अवैध रूप से पार्क की जमीन वापस ले रही है, जिसको लेकर लोगों ने अधिकारियों से अब मदद की गुहार लगाई है। शासन जो है और अधिकारी इतना निरंकुश हो गए हैं कि उन लोगों ने 30 साल पहले 35 साल पहले हमें बताया कि आपको जो है हम पूरा पार्क दे रहे हैं, अब सडनली जो है उन्होंने जो है पूरा लेआउट चेंज कर दिया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं है और वीसी साहब से जब भी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारा मन करेगा जैसे मन करेगा वैसे हम पार्क बनाएंगे। आप ईडब्ल्यूएस वाले मकान वाले, आप लोग को पार्क का कोई राइट नहीं है। इसमें हमारी मूलभूत सुविधाएं कि हमें फ्रेश एयर चाहिए, हमें धूप चाहिए, हमें जो है बुज़ुर्गों को बच्चों को खेलने के लिए पार्क चाहिए, वो हमारी मूलभूत सुविधाओं का हनन हो रहा है, जिसकी यही समस्या है, जिसकी वजह से अब हम लोग यहाँ पर इतना प्रताड़ित हो गए कि हम लोग को कारण बताया गया कि ये पार्क गिरडी गलती से ढंग से में गलत हो गया था। अगर ये गलत हो गया था तो फिर इसके स्थान पर नया पार्क दूसरी जगह 4 किलोमीटर दूर दिए जाने का कोई औचित्य तो बनता नहीं है। फिर उनका कहना है चूँकि आप लोगों ने पार्क का पैसा नहीं जमा किया, इसलिए वीकर सेक्शन वालों को पार्क हम नहीं दे सकते, उनको ये मिलना ही नहीं चाहिए। फिर वो एक नया छोटा सा पार्क कोने में बना रहे पश्चिम दिशा में। अगर हमने पैसा नहीं जमा किया है और वीकर सेक्शन वालों को पार्क दिया नहीं जा सकता। राजधानी लखनऊ में एलडीए ने अलीगंज में अवैध रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन जोन 4 की टीम ने यह कार्रवाई की है और अलीगंज के सेक्टर ए में अवैध रूप से यह रेस्टोरेंट चल रहा था, जिसको अब एलडीए ने सील कर दिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस जानकीपुरम में गुरुवार को दो छात्र गुट आपस में मारपीट करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिनमें एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। उसकी पीठ और गर्दन पर धारदार हथियार से वार किए गए और वीडियो सामने आने के बाद जानकीपुरम थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ यूनिवर्सिटी जानकीपुरम के कौटिल्य छात्रावास में ये मारपीट हुई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इस घटना के संबंध में लखनऊ पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर ने मऊ शहर के नरई बांध इलाके में स्थित डॉक्टर आई मजहर के क्लिनिक पर छापा मारा। वही खाद्य विभाग ने हलाल सर्टिफाइड दवाइयां कॉस्मेटिक स्किन लेजर को चेक किया है। हालांकि डॉक्टर आई मजहर के क्लिनिक पर कोई भी हलाल संबंधित प्रोडक्ट नहीं मिला। विधिवत जाँच की गई हर एक प्रोडक्ट की, फूड की और औषधियों की मिला के, लेकिन किसी भी प्रतिष्ठान पर हलाल सर्टिफाइड कोई भी औषधि या फूड सामग्री नहीं मिली है। ये कौन कौन सी दुकानें पर मारी गई और किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी अगर पाया जाता है तो? शहर के जो बड़े मेगा स्टोर्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, जैसे वी मार्ट है,
विशाल मेगा मार्ट है और कुछ औषधियों के केंद्रों पर भी जैसे स्किन केयर एंड लेजर हॉस्पिटल है, इनके यहाँ कार्रवाई की गई है, लेकिन किसी के यहाँ हलाल सर्टिफाइड कोई भी फूड या औषधि अभी तक प्राप्त नहीं। अब खबर मऊ से है, जहां मोहम्मदाबाद गोना क्षेत्र के बरामदपुर स्थित पब्लिक बालिका इंटर कॉलेज में 30वां जनपदीय स्काउट गाइड समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एके शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में आपने स्वयं इस बात का प्रदर्शन करके दिखाया कि इसके अनुशासन को कितना माना जाता है। ये ट्रेनिंग जीवन में अनुशासन सिखाती है और जीत हार और प्रकृति के बीच समन्वय सिखाती है। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां सत्यम श्रीवास्तव का चयन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ है। उनके ऑल इंडिया में 34वीं रैंक आई है। शास्त्री नगर निवासी सत्यम श्रीवास्तव डीएम कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात कमल श्रीवास्तव के बेटे हैं। सत्यम का कल यानी कि 23 नवंबर को विवाह भी होना है। वहीं शादी की एक रात पहले IES 34वीं रैंक हासिल कर लेने से उनके परिवार की खुशी में चार चांद लग गए। और उसकी शादी भी है और एक अच्छा रिजल्ट सही समय पे आया हुआ है, मैं ये कहूँगा। हम सारे लोग बहुत खुश हैं। आगे उसको जिम्मेदारी एक बड़ी मिलने वाली है, उस जिम्मेदारी को भी वो ऐसे ही निभाएगा, हम सारे लोग ये अपेक्षा करते हैं और करेगा भी। अभी तक जैसे अपनी पढ़ाई पीरियड में पूरी सिंसियरिटी के साथ उसने पढ़ाई करी है, एक दो अटैम्प्ट नहीं निकल पाया लेकिन फिर भी लगातार प्रयास करता रहा, जॉब करके ही प्रयास करता रहा और भी निकला है। आगे भी जो जिस भी डिपार्टमेंट में जाएगा पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा और उसका भविष्य उज्जवल होगा, हम सारे लोग यही शुभकामना करते हैं। आज इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 का रिजल्ट आया है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में मेरी ऑल डे रैंक 34 आई हुई है और उसी का खुशी है। इसके साथ ही साथ कल मेरी शादी भी है तो डबल खुशी है, इस घर में अभी खुशी का माहौल है। मेरी जो स्कूलिंग तो यहाँ कॉन्वेंट से हुई थी और उसके बाद मेरा बीटेक HBTI कानपुर से है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। और मेरे बीटेक के टाइम से मतलब मुझे अपनी ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा तो मैंने इसको ही परस्यू किया है अपने करियर के लिए। और प्रीवियस अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे इंजीनियरिंग सर्विसेज के और वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैं अभी करंटली दिल्ली मेट्रो में एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ और उसके साथ ही साथ क्योंकि घर वालों का सबका पूरा सपोर्ट रहा मेरे साथ तो मैं कंटिन्यूसली मेहनत करता रहा एंड अभी फाइनली मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया। नए वोटर्स को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे वोटर चेतना महाअभियान के तहत द्वितीय चरण को सफल बनाने के लिए आयोजित बैठक में कई भाजपाई दिग्गज मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक का शुभारंभ हुआ। इस बैठक के मुख्य अतिथि रहे जिला मंत्री पंकज वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। वही मुख्य अतिथि पंकज वर्मा ने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए भाजपा वोटर चेतना महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण बेहद सफल रहा है। आगामी द्वितीय चरण 25 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक चलाया जाएगा। एरवाकटरा थाने में झंडा दिवस के मौके पर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने पत्रकारों और थाने में मौजूद सभी लोगों को पुलिस ध्वज लगाकर झंडा दिवस मनाया है और इस दौरान तस्वीरें भी झंडा दिवस के सामने आई हैं। थाना अध्यक्ष ने झंडा देते हुए झंडा दिवस का आयोजन किया। वही एरवाकटरा थाने में झंडा दिवस मनाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।